वेलकम टू सपनों की व्याख्या। आज हम आपके लिए जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है सपने में पैलेस मीन राजभवन देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर राजभवन देखता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल अच्छे प्रकार पर रहेगा और उनकी लाइफ के अंदर उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बिताने के लिए हेल्पफुल बनेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखता है कि वो राजभवन में गया है, अगर सपना देखने वाला मैरिड है और उसके बच्चे नहीं हैं, तो इसका मतलब है, अगर उसकी वाइफ भी गर्भवती है तो इसका मतलब है कि उसके घर में बहुत अच्छा और सुंदर बेटा पैदा होगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि वो राजभवन में गया है लेकिन वो बहुत गरीब है, उसकी लाइफ बहुत पुअर स्टाइल में बीत रही है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को आने वाले समय पर बहुत ज्यादा माल प्राप्त होगा और ये सपना उसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि वो कच्ची ईंटों का बना हुआ कोई राजभवन देख रहा है, तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला एक धार्मिक लाइफ बिताएगा या फिर वो किसी ऐसी महिला के साथ विवाह रचाएगा जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक होगी। और अगर कोई व्यक्ति चूने का बना हुआ राजभवन देखता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सफलता पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पक्की ईंटों का बना हुआ राजमहल देखे या राजभवन देखे तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को दो नंबर धंधे से बहुत ज्यादा माल प्राप्त होगा या फिर वो किसी झूठी मकार फ्रेबी और धोखेबाज महिला के साथ विवाह रचाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर महल देखे, पैलेस देखे या राजभवन देखे तो इसका मतलब होता है कि सपना देखने वाला अपनी जॉब में इंक्रीज सैलरी में इंक्रीजमेंट और अपनी जॉब के अंदर वो बहुत ज्यादा ऊपर तक बढ़ेगा, उसके सीनियर्स उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।